होली के दिन वाड़ी के वैष्णो माता नगर में मंगलवार को दोपहर में बदमाशों ने नंगी तलवार लेकर निकले। वाड़ी में दहशत का माहौल बना था, घर के जगह को लेकर विवाद हुआ। होली के दिन वाड़ी के वैष्णो माता नगर में मंगलवार को दोपहर बदमाशों ने नंगी तलवार लेकर निकली। वाड़ी में दहशत का माहौल बना, घर की जगह को लेकर विवाद हुआ। दोनों पार्टी पर वाड़ी पुलिस ने मामला दर्ज किया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार वैष्णो माता नगर निवासी आरोपी गोपाल रामकृष्ण पेदराज रामकृष्ण बालना पेदराज उम्र 60 ने फिरियादी महिला के साथ घर में जगह के कारण विवाद हुआ। होली का पाड़वा होने से आरोपी शराब के नशे में तुल थे। नशे में ही आरोपी ने बस्ती में खुलेआम नंगी तलवार तान कर करीब 500 मीटर बस्ती में उन्माद मचाया। इस बीच बस्ती के नागरिक तमाशा देख रहे थे। कुछ लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी वायरल किया था। घटना की सूचना पूरे वाड़ी में फैलते ही तलवार निकलने की चर्चा दिन भर चली, जिस कारण वैष्णो माता नगर में दहशत का माहौल बना। आरोपी गोपाल पेदराज ने खुलेआम फिरियादी के घर के सामने आकर नंगी तलवार लेकर फिरियादी महिला के सामने आकर छाती पर हाथ तान दिया। वह जान से मारने की धमकी भी दी। आरोपी फिरियादी दोनों पड़ोसी है। कई दिनों से एक फीट जगह को लेकर विवाद चल रहा है। फिरियादी के पति ट्रक चालक है, वह घर पर नहीं थे। दो बच्चों को लेकर फिरियादी महिला अकेली ही रहती है। अकेली महिला को देख आरोपी ने अपनी धौंस बनाकर तलवार निकाली, जिसकी सूचना फिरियादी की लड़की ने 100 नंबर पर दी। वाड़ी पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। तलवार के साथ दोनों आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। फिरियादी की शिकायत पर वाड़ी पुलिस ने आरोपी गोपाल रामकृष्ण पेदराज पर धारा 354 और 504, 506, 34, 4/25 आर्म एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। बताया गया कि आरोपी ने भी फिरियादी महिला के पड़ोसी के खिलाफ फिरियादी रामकृष्ण पेदराज ने पुलिस में शिकायत की। आरोपी विनोद पटले राजेश पटले बताए गए। बताया गया कि नंगी तलवार लेकर घूमने वाले गोपाल पेदराज को रोकने के लिए विनोद और राजेश सामने आए। दोनों में विवाद हुआ, जिसे पेदराज के मुंह के दांत गिराए गए। पेदराज की शिकायत पर आरोपी राजेश पटले व विनोद पटले के खिलाफ धारा 294, 323, 506 के तहत मामला दर्ज किया। वाड़ी पुलिस ने घटना की गंभीरता को देखते हुए दोनों पार्टी पर कार्रवाई की। आगे की कार्रवाई PSI शशिकांत चिपड़े कर रहे हैं। पर रोजी आमची डे अधिकारी ड्यूटी असताना नियंत्रण कक्षा माहिती मिळाली की दत्तवाड़ी व्यवस्थितनी एक इसम तलवार घेऊन फिरतोय, अशा माहितीवरून पुलिस घटनास्थळी दाखल झाली व नमूद इसम यास ताब्यात घेतले, परंतु तिथून शस्त्र प्राप्त झाले नाही। महिला यांच्या तक्रारीवरून आरोपीवर 354, 504, 506 भादवीनुसार 425 शस्त्र अत्यार कायद्यानुसार गुन्हा दाखल केला। आरोपी अटकेत असून PCR मध्ये आहे। त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील तपास चालू आहे। इन BCN के लिए वाड़ी से सुनील शेट्टी के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।